वेलकम बैक टू माई चैनल दिशु। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड वाइब्स ब्रांड का मैंगो शैम्पू, हवाना मैंगो शैम्पू। तो इस तरीके से इसकी कुछ पैकेजिंग है, इसकी बॉटल कुछ इस तरीके से है, पंप वाली बॉटल है। मुझे इसे यूज़ किए हुए 2 to 3 times हो चुका है, तो अब मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। तो वीडियो आगे करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर क्लियर कर देती हूँ, सबकी हेयर टाइप डिफरेंट होती है। किसी की ऑयली स्कैल्प होती है तो किसी की बहुत ड्राई होती है, किसी की ऑलरेडी फ्रिजी हेयर होता है तो किसी के ऑलरेडी सिल्की और स्मूथ हेयर होते हैं। तो सबका अपना पर्सनल रिव्यू होगा। फॉर मी अब जैसा है मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको उसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ किस तरीके से हुई है, ठीक है। तो ऐसे एक येलो कलर की इसकी पैकेजिंग है, प्लास्टिक की ये बॉटल है और ये पंप वाली बॉटल है। इसकी ना सारी पैकेजिंग ऐसी होती है, ये थोड़ा डार्क कलर की होती है बॉटल। इसकी टोनर की भी ऐसी है, हवाना मैंगो मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। मैंगो है, बहुत अच्छा है, मतलब मैंगो देखे ना, मतलब मैंगो लवर्स होंगे वो तो ज़रूर ये परचेज़ करें। तो यहाँ पे है क्वांटिटी 200 ml। जैसे कि गुड वाइब्स ब्रांड फेमस इसीलिए है कि वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है कि इट हैज़ नो पैराबेन, क्रुएल्टी फ्री एंड नो मिनरल ऑयल, ठीक है। साइड पे इन्होंने यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कलर और परफ्यूम एडिड है और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है कि प्योरीफाइड वाटर। और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर है और नीचे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी 2020 फेब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग है, नेक्स्ट 2022 तक चलनी है, ठीक है। इसका एक्चुअल प्राइस यहाँ पे 225 rupees लिखा है, बट आपको पता पर्पल पे सेल लगती रहती है तो आप वो डिस्काउंट में परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे साइड पे इन्होंने ना मैंगो के बारे में, मतलब मैंगो एज अ फ्रूट एक इंग्रेडिएंट हमारे हेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, सो यहाँ लिखा इन्होंने कि आपके हेयर को सॉफ्ट बनाता है, मैनेजेबल बनाता है और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द हेयर विद विटामिन्स एंड मेकिंग अ लुक ग्लैमरस। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है इट इज़ क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स, और नीचे लिखा है हाउ टू यूज़ में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, ये देखो प्रो टिप, प्रोफेशनल टिप। इन्होंने बताया है कि लिखा हुआ है कि, तो यहाँ पे इन्होंने प्रो टिप लिखी हुई है कि आप वॉश करने से पहले अपने हेयर को कॉम कर लेना, सो डेट बाद में ना ज़्यादा टैंगल्स नहीं होंगे, बाद में बाल अड़ेंगे नहीं। तो एक प्रो टिप है कि शैम्पू करने से पहले ही अपने हेयर को कॉम कर लेना, इट वुड हेल्प यू टू अवे विद टैंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में चेंज कलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट डजेंट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी आप नेचुरल या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लोगे ना, उस पर ये चीज़ हमेशा लिखी होती है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो टाइम के साथ उसका कलर चेंज हो सकता है, बट उसकी एफिशिएंसी या उसकी जो जो उसका वर्क करने का तरीका है वो सेम रहेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में बस बी केयरफुल ऑफ कॉन्टैक्ट विद आईज, दे वॉन्ट लाइक इट, बस ये तो होता ही है आइस से, कॉन्टैक्ट से दूर, और स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज ऑनली। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, मैं यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ओ वाओ, जो भी मैंगो लवर्स है ना, जैसे ही ये बॉटल मैंने ओपन की, जैसे मैंगो शेक नहीं हम पीते या मैंगो खाते हैं, बिल्कुल वैसे की इसकी फ्रेग्रेंस है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, फ्लैश लाइट ऑन किए सो डेट आपको थोड़ा दिख सके ये कैसा है। मैं आपको बाद में पंप आउट करके दिखाती हूँ, अभी ये एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो आपने देख लिया ये अंदर से कैसे था, जैसे ओपन किया तो उसकी फ्रेग्रेंस निकलनी शुरू होगी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ ये एक्चुअली में ये इसका कलर कैसा है शैम्पू का ना। ये मेरा हाथ है, बस मैंने यहाँ पे पंप किया, इट्स नॉट येलो। अगर मैं आपको ध्यान से दिखा सकूँ,
स्किनिश कलर होता है ना, जैसे स्किन का ही कलर आप ध्यान से देख सको तो हल्का सा येलो टोन्ड आता है, स्किन के कलर के साथ ही ये मैच कर रहा है ना। बहुत बहुत हल्का सा येलो कलर आप हम कह सकते तो होगा, अदरवाइज ये स्किनिश कलर टाइप ही है। फ्लैश लाइट में आपको शायद दिखे नहीं, मैं अभी ऑन करके दिखाती हूँ। देखो ये मैंने फ्लैश ऑन करके दिखाया और बिना फ्लैश के भी ये कलर कुछ ऐसा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसे पानी में मिक्स करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो मेरे हाथ में था मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया हुआ है और पानी भी इसमें मैंने ये डाला हुआ है। तो इसी को पहले मैं कर देती हूँ, आपको पता लगे इसकी लेवल कितनी है। जब हम इसको खोलते हैं ना तब तो पूरी मैंगो शेप वाली ही आती है। बालों में ना काफ़ी देर तक ऐसा नहीं है कि वॉश करने के बाद भी वही फ्रेग्रेंस रहती है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। सबके हेयर टाइप्स ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे किसी का ऑयली स्कैल्प होता है तो किसी का ड्राई स्कैल्प होता है, किसी के हेयर फ्रिजी होते हैं ऑलरेडी, किसी के सिल्की हेयर होते हैं। तो मेरे कंडीशन में क्या था, मैंने जब ये अप्लाई किया, मैंने ऑलरेडी ऑयल लगा के ही अपने हेयर पे ये अप्लाई किया था। और इसकी लैदर अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, दूसरे शैम्पू से थोड़ी कम है। मतलब अगर मैं ब्रांड का नेम नहीं ले रही, दूसरे मैं पहले दूसरी लाइक जो भी ब्रांड यूज़ करती थी उसके मुकाबले इसकी जो लैदर है ना थोड़ी सी कम है। मतलब आपको 2-3 बार शैम्पू लेना पड़ेगा अगर ऑयली ज़्यादा हो। अगर कैस्टर ऑयल अप्लाई कर लिया तो उसमें तो आपको पता ही होगा कि कैस्टर ऑयल एक हैवी ऑयल होता है और उसको निकालने में और उसको वॉश करने में थोड़ा ज़्यादा लैदर लगेगी और शैम्पू लगेगा। तो इसकी लैदर दूसरे शैम्पू से कम है, हालांकि ऐसे बहुत कम भी नहीं है। और वॉश करने से पहले मैंने अपने हेयर ऑयली रखे थे और उसके बाद वॉश करने के टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। वॉश करने के बाद अगर मेरे हेयर टाइप की बात करूँ, मेरा स्कैल्प ना ड्राई है, अभी मेरा स्कैल्प ड्राई है। और उसके बाद कॉम की ज़्यादा मेरे हेयर फॉल नहीं हुए, जितने थे उतने ही थे, ऐसे चाहिए नहीं कि कम हुए या ज़्यादा हो गए, जितने थे उतने ही रहे। और मेरे हेयर ना उसके बाद मुझे था कि मुझे या तो मुझे सीरम अप्लाई करना चाहिए, बहुत अनमैनेजेबल हो रहे थे क्योंकि मेरा हेयर टाइप ऑलरेडी ही ड्राई है, या तो मुझे उसके बाद एक कंडीशनर लगाना चाहिए था। मैं सिर्फ शैम्पू की बात कर रही हूँ, आफ्टर शैम्पू मेरे हेयर में क्या कंडीशन थी। तो फॉर मी मतलब अच्छा शैम्पू है, बट उसके बाद अगर मैं कंडीशनर लगा लूँ, अगर मैं कंडीशनर के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं सीरम लगा लेती तो मेरे बाल सही रहते, अदरवाइज इतने बुरे भी नहीं लग रहे थे। बट हाँ, अगर मैं सीरम लगा लेती तो थोड़े मैनेजेबल हो जाते। सेकेंड थिंग इज़ मेरे हेयर टाइप थे ड्राई, ऐसे मेरे फैमिली मेम्बर ने यूज़ किया, उनके थे एक के ऑयली स्कैल्प थे, तो उनके बालों में ये बिल्कुल सूट किया। मतलब कि हेयर फॉल तो चलो जैसे होता उतना ही था, हेयर फॉल की बात मैं नहीं यहाँ पे कर रही, यहाँ पे बस यही बात है कि आपके हेयर टाइप पे सूट करता है। आपके अगर हेयर स्कैल्प ऑयली है तो फिर आपको पता है कि ये आपको बाद में ना सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आपकी हेयर टाइप ड्राई है तो आपको कंडीशनर या सीरम लगाना पड़ेगा ताकि आपके बाल मैनेजेबल हो सके। वहीं अगर ये ऑयली स्कैल्प वाला लगाएगा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बता पा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये ऑयली स्कैल्प वाला लगाएगा उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है शैम्पू। ड्राई हेयर के लिए भी यूज़फुल है, बट अगर वो उसके बाद कंडीशनर या लिवॉन सीरम या कोई भी सीरम जो आप यूज़ करते हो वो लगा लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल है। लैदर इसकी आप देख सकते हो। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस गुड वाइब्स ब्रांड। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बस ऑयली स्कैल्प वाले तो ज़रूर करें, बट अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है उसके बाद आप कंडीशनर या फिर सीरम ज़रूर अप्लाई करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।